नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैपटॉप में कंप्यूटर में डेटा और फाइल को कहाँ सेव करना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित रहे। क्योंकि देखता हूँ बहुत बार ना, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं, लेकिन जब पूछता हूँ कि डेटा आप कहाँ सेव करते हैं तो कहते हैं जहाँ मन करता है वहाँ सेव कर देते हैं। तो दोस्तों ये रिस्क वाली बात है, क्योंकि बहुत मेहनत से अपनी फाइल को बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका लॉक कर देते हैं, उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए कि वीडियो करप्ट हो गया तो और हार्ड डिस्क खराब हो गई तो आपका डेटा चला जाता है, क्लियर मतलब आपकी फाइल डिलीट हो जाती है। तो वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कि डेटा को कहाँ सुरक्षित स्थान पर रख सकते दोस्तों। उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप देखना आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम कंप्यूटर लैपटॉप संबंधित आपको ज्ञान देते रहते हैं। और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा आईडी है जोगिंदर ज्ञान, वहां मुझे फॉलो कर लीजिए। कंप्यूटर लैपटॉप संबंधित कोई सवाल आपके मन में मुझसे पूछे, मैं प्रयास करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब दूं और आपको मैं सेटिस्फाइड करूं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कंप्यूटर में लैपटॉप के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है। बता रखा हूँ पहले, ऑलरेडी फिर बता देता हूँ कि स्टोरेज डिवाइस होता है, इसको हार्ड डिस्क कहते हैं या कहते हैं SSD। हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक होता है SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों एक ही चीज है, दोनों स्टोरेज डिवाइस है। HDD का स्पीड थोड़ा कम होता है, SSD का स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, क्लियर है। अब इसी के अंदर आपको देखेंगे कि पहले 40GB 80GB तक आता था, 120GB तक आता था, लेकिन अब मार्केट के अंदर हार्ड डिस्क जो है 500GB का मिलता है, या 1TB का मतलब 1000GB का मिलता है, उसके अंदर डेटा हम सेव करते हैं। लैपटॉप के अंदर से हम हार्ड डिस्क को निकाल लें तो वो डेटा आपका निकल जाएगा, और फिर किसी कंप्यूटर लैपटॉप में लगा देंगे तो आपको डेटा वहां मिल जाएगा। बात समझ ना, तो इसके अंदर हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के अंदर ही जगह सेव होता है। जैसे घर के अंदर एक स्टोर रूम होता है ना, तो आप क्या करते हैं कि जो सामान आपको सेव करना होता है लाके स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं, उसी प्रकार से लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के अंदर अपने डेटा को सेव करते हैं। देखिए जब हार्ड डिस्क की बात आती है ना, तो हार्ड डिस्क 1 TB का होता है, जिसको कंप्यूटर में हमको क्या पार्टीशन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके बहुत बड़ा जमीन है, जमीन के अंदर एक बड़ा सा बिल्डिंग बना देंगे तो कौन सामान कार, कौन सा बेडरूम आपका होगा, कौन सा ड्राइंग रूम होगा, तो दिक्कत होता है। तो उसी प्रकार से आप डिसाइड करते हैं और बाउंड्री बना देते हैं कि ये चीज ड्राइंग रूम है, ये चीज जो है आपका बेडरूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है। इसी प्रकार से हार्ड डिस्क मान लीजिए 1 TB का, 1 TB का है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन बना देते हैं, मतलब उसको विभाग में बांट देते हैं। कोई एक विभाग में बांटता है मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1000GB का आपका हार्ड डिस्क है, उसको हम क्या करते हैं कि 250GB 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 4 जगह बांट देते हैं। समझ रहे इस बात को ना। तो हार्ड डिस्क जब आप कंप्यूटर को खोलेंगे तो उसमें आप देखते होंगे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, नहीं देखे हुए हैं, इसे दिखाते हो। ये लैपटॉप का स्क्रीन है, देख सकते हैं पूरा ये। तो इसके ये आपके, अगर मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 लोडेड है तो आप देखेंगे यहाँ दिखा हुआ दिस PC दिख रहा है आपको, दिस PC दिख रहा है। इसी के अंदर हार्ड डिस्क होती है, इसी पे दो बार आप क्लिक कर देंगे, इस पे दो बार क्लिक कर देंगे, दो बार क्लिक करने बाद में देखिए ये खुल के आ गया है, ठीक है, एक विंडो खुल के आ गया। विंडो के अंदर दिख रहा है लोकल डिस्क सी दिख रहा है और लोकल डिस्क डी दिख रहा है, दिख रहा है दोनों ये। और इसके बगल में ये बना हुआ एक साइन बना हुआ है, ये डीवी राइटर का है। तो इससे मतलब नहीं है, जो DVD CD हम डालते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो इसमें दिखाता है, लैपटॉप में डालेंगे तो यहाँ दिखाएगा। तो हार्ड डिस्क हमारा जो है ये दो पार्टीशन है, ठीक है, सी और डी। अब देखिए क्या है ना कि हमारा जो हार्ड डिस्क मतलब कंप्यूटर हमारे लैपटॉप में जो लगा हुआ है, इसको हमने लगा रखा है SSD, तो इसके अंदर जगह कम थोड़ा सा है। देखिए एक आपका जो है 62GB का है और एक आपका जो है 48 मतलब कि 120-128GB का SSD लगा हुआ है। हमने दो पार्ट में अपने इस SSD को डिवाइड कर रखा है, मतलब हार्ड डिस्क को डिवाइड कर रखा है। या हम चाहें तो कोई फाइल सेव करना है तो यहाँ सेव कर सकते हैं सी टाइप के अंदर, कोई फाइल हम सेव करना चाहते हैं हम सेव करते हैं डी टाइप के अंदर। देखिए क्या होता है ना कि जब लैपटॉप को कंप्यूटर को चलाना होता है तो आपको लोड करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे लैपटॉप कंप्यूटर चलता है। जो आपको विंडो ये दिख रहा है ना पीछे, ये लोडेड है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10, विंडो 7 भी होता है, विंडो 8 भी होता है, विंडो XP भी होता है, तो विंडो ये 10 लोडेड है। देखिए जो लोकल डिस्क ये दिख रहा है ना सी ड्राइव, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मतलब जो विंडोज लोड होता है वो सी ड्राइव के अंदर हम लोड करते हैं। देखिए ये ड्राइव दिख रहा है सी ड्राइव, ये इसी के अंदर विंडोज लोड करते हैं हमें। जब विंडोज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो हमको क्या करना होता है, इस सी ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है, इसी को फॉर्मेट करके लोड करना होता है, और इस वाले ड्राइव के अंदर जो भी डेटा मतलब इसको खोलता हूँ, देखिए इसको खोल दिया मैंने करके, ये जो फाइल यहाँ पड़ा हुआ है ना इसके गायब होने की संभावना पड़ जाती है, क्योंकि हम जब फॉर्मेट करते हैं तो वो सी ड्राइव के अंदर ये आता है, ये फॉर्मेट हो जाता है, क्लियर है ना, समझ बात को ना।
तो जो आप देखें किसी आपके कंप्यूटर हो सकता है सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, एफ ड्राइव हो सकता है, चार ड्राइव हो, तो मेनली जो सी ड्राइव होता है ना, इसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने डेटा को, अपने फाइल को आप सेव मत करिया करिए। आपको अपना फाइल सेव करना है तो डी ड्राइव में सेव करिए, क्लियर है ना, या तो ई ड्राइव में सेव करिए, एफ ड्राइव में सेव करिए, जहाँ चाहे टैली पे आप काम कर रहे हो, चाहे एक्सेल पे काम कर रहे हो, चाहे आपको मूवी सेव करना है और जो भी काम करना है, ये चीज़ हो चुका है। एक चीज़ तो ये हो चुका है कि आपको सेव करना है। देखिए, और लोगों को फिर एक चीज़ मालूम नहीं है कि जो लोग क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से, ये दिख रहा पीछे आपको बैकग्राउंड, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं ये, ठीक है। देखिए, मैंने भी कुछ फाइलें यहाँ सेव कर रखी, जोगेंद्र नाम से ये फाइल मैंने सेव कर रखा है। ये टोटल फाइल जो सेव है ये आपका सी ड्राइव के अंदर सेव है, डेस्कटॉप जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर होता है, क्लियर है। मतलब कि जो डेस्कटॉप हम काम कर रहे हैं वो जो सेव हो रहा है ना, वो इस ये है सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर बना, वो फोल्डर के अंदर आपका ये सारी चीज़ें लोड हैं, ये देख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो कंप्यूटर फॉर्मेट होगा, तो आपका फिर डेटा नुकसान हो जाएगा, फिर आपको डेटा मिलेगा नहीं। तो ये जो फाइल सेव कर रहे हैं, अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, देखिए मेनली डेस्कटॉप ये होता है कि आपको अंदर ना घुस करके काम करना हो तो सिंपली आप यहीं से खोल के आप उसी को खोल सकते हैं, तो शॉर्टकट के लिए होता है। तो इसका मेन जो अगर चाहे फाइल, जैसे मतलब ये फाइल अगर पड़ा मेरे पास है, जोगिंदर आपकी फोल्डर पड़ा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक जो डी ड्राइव है यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जब पेस्ट कर देता हूँ तो अगर ये जोगिंदर फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है तो इसको मैं सेंड टू डेस्कटॉप करूंगा, तो ये क्या है कि एक शॉर्टकट बनेगा डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। मेरा मेन फाइल तो पड़ा रहेगा डी ड्राइव के अंदर ही, लेकिन यहाँ से काम करने के लिए मुझे आसानी होगी। देखिए, ये बना हुआ जोगेंद्र शॉर्टकट, इसको क्लिक करूंगा, लेकिन जो इसमें मैं परिवर्तन करूंगा, जो भी इसमें कुछ एडिटिंग करूंगा, टोटल जो है वो डी ड्राइव से हो। तो ये है कि आप डेस्कटॉप पे फाइल को सेव ना करिए अगर फाइल आप चाहते हैं सुरक्षित रखना। ये हो चुका। फिर देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो है इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। जब इंटरनेट डाउनलोड करते हैं वो क्या करता है, वो दिस पीसी होता है ना, दिस पीसी, उसी के अंदर एक बना होता है फोल्डर। देखिए, मतलब ये दिस पीसी बना हुआ है पीसी, इसके अंदर क्लिक करते हैं और किसी इसी सी टाइप के अंदर देखिए ये डाउनलोड फोल्डर बना हुआ है, ऊपर देखेंगे विंडो 10 के अंदर ये डाउनलोड बना हुआ है। तो यहाँ डाउनलोड पे यहीं पर सब कुछ जो है डाउनलोड हो जाता है। ये देखिए, ये भी सी टाइप के अंदर ही होता है। तो फिर क्या है, हमें जब कंप्यूटर और लैपटॉप फॉर्मेट करना होता है तो हमको ये भी डिलीट करना होता है। तो इसके अंदर अगर मान ली डाउनलोड कर लिया, उठा के इस फाइल को, मान ली इसके अंदर कोई फाइल अगर है आपने डाउनलोड कर लिया गलती से, तो गलती से क्या जानबूझ करते हैं, फिर इसको अगर चाहते हैं तो यहाँ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके जो है फाइल अपना एक फोल्डर बना लीजिए ई ड्राइव के अंदर, जो ये फाइल आपका है यहाँ पर दिस पीसी के अंदर क्लिक करके इस पर क्लिक करिए, क्लिक करके और यहाँ पर लाके सेव सेव कर दीजिए। ये हो चुका है। फिर आप कभी कभी क्या वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं, सिंपली डॉक्यूमेंट पे लोग सेव कर, देखिए यहाँ सेव कर देते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी जो है सी ड्राइव के अंदर आता है। तो देखिए, फाइल बना हुआ मयंक साहनी, ये अगर इनकेस विंडोज़ को फॉर्मेट करना पड़ा मुझे, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया, तो हम सी ड्राइव फॉर्मेट करेंगे तो हमारा ये सारा फाइल डिलीट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से टैली काम करना, आपको किसी इंपॉर्टेंट फाइल में काम करना, हमेशा जो है ड्राइव चेंज कर दीजिए, डी में सेव करिए, ई में सेव करिए, ना कि आप सी ड्राइव पे, ना कि डेस्कटॉप पे, ना ही वो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आप सेव करिए, समझ चुके हैं ना। तो अब आपका डेटा जो है सुरक्षित हो सकता है। एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, देखिए हार्ड डिस्क जो लगा हुआ, मतलब ये कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ ना, दिस पीसी दिखा रहा है, ये हार्ड डिस्क दिख रहा है आपको, ये देखिए ये दिख रहा है, दिस पीसी दिख रहा है, इसके अंदर जो ड्राइव दिया हुआ ना, देखिए ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, ये इसके अंदर डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी फोटोज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, इसी पे डाल करके भूल जाते हैं, अरे मैं कंप्यूटर पड़ा हुआ खराब नहीं होगा, ये मिल जाएगा, भूल जाएगा, ऐसा नहीं भाई। कंपनियां वारंटी देती हैं हार्ड डिस्क का, न कि उसके अंदर जो डेटा रहता है उसका सेव करना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फाइल फोटो यहाँ पड़ी हुई है ना, इसका एक पेन ड्राइव के अंदर कहीं बैकअप लेकर रख दीजिए, तभी आपका डेटा सुरक्षित है, वरना डेटा सुरक्षित नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं ना, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब, ये कंपनियां क्या, इनके पास एक ही डेटा स्टोरेज सेंटर नहीं होता, इनका डेटा स्टोरेज बहुत सेंटर बहुत होता है। मान लीजिए किसी सेंटर में दिक्कत अगर हो जाएगा तो आपका डेटा कहीं और मिला था, वहाँ से आपको मिल जाता है। तो बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने डेटा का, इसलिए पेन ड्राइव के अंदर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर जहाँ लेना है वहाँ लेकर रख सकते हैं। मैं बता दूँ, मैंने भी ये गलती किया, बता आज से 10 साल पहले मेरी शादी कुछ फोटो पड़े हुए थे, मैंने क्या किया उसको जो है अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रख दिया, और उसका मैं प्रिंट आउट निकाला नहीं था, और उसका मैं कहीं और बैकअप रखा नहीं था। बदकिस्मत से वो हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, मेरे पास मेरे शादी का आज के डेट में कोई फोटो नहीं पुराना है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो किए हुए थे लोग तो था, लेकिन मैंने अपने खुद के कैमरे से फोटो खींचा हुआ था, वो फोटो इसमें हार्ड डिस्क में था, चला गया था। इसलिए आप ऐसी गलती मत करिए, हमेशा डेटा जो है डी ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे डी ड्राइव के अंदर मान लीजिए, यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ,
ऐड क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है मैं कोई फोल्डर बना लेता हूँ जल्दी ये बना के इतना करके और उसके अंदर अपना डेटा सेव करूँगा। तो इस तरीके से आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और आपको खोलने में दिक्कत नहीं होगा और यहाँ पर आपका अपना काम करें। दोस्तों ये एक वीडियो था जिसमें सोचा आपको बना के बता दूँ और आपका डेटा सुरक्षित। वीडियो पसंद आपको आया तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, बताइए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों नमस्ते, ठीक है, नमस्कार।